हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो सब? होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू क्लास। यू नो अबाउट मी, माय नेम इज मालिका सेठी, योर साइंस एजुकेटर फॉर क्लास 9th एंड 10th क्लास। तो आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, स्टूडेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और ये अनअकैडमी का यूट्यूब चैनल है, बट आप क्या कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे अनअकैडमी लर्नर ऐप अवेलेबल है। अगर आपके फोन में नहीं है तो आप अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड कर लीजिए एंड यू गेट प्लस सब्सक्रिप्शन। प्लस सब्सक्रिप्शन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपको स्कूल जैसा फील आएगा, जैसे आप स्कूल में टीच करते हैं ईच एंड एवरी सब्जेक्ट डीपली, क्वेश्चन आंसर सब आपको वहां मिलेंगे। और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं एंड MASE मेरा जो कोड है वो यूज करते हैं तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। तो नहीं है तो अभी जाइए और डाउनलोड करिए और उसका फायदा उठाइए। अभी देखो, हम कर रहे हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर, हमारा चल रहा है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, जो कि मैंने आपको ऑलमोस्ट कंप्लीट करवा दिया है। लास्ट का थोड़ा सा रह गया था, वो हम अपनी क्वेश्चन आंसर में करेंगे। मैं आपको आज क्या कराने वाली हूँ, जो मैंने आपको अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सिखाया था उस पे हम आज प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। यू नो अबाउट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, और केमिस्ट्री को तो परफेक्ट बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दूसरा सिर्फ सुनना नहीं है, अपनी नोटबुक लो, पेन लो, जो भी आज हम करेंगे वो आपको मेरे साथ साथ करना है। अगर आप साथ साथ करेंगे तो 101% आपको बैलेंसिंग इजी लगेगी, कुछ भी हार्ड नहीं लगेगा। सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी प्रॉब्लम्स। फर्स्ट हमारे देखो क्या प्रॉब्लम है। फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन है SaCl4+H2O H4SiO4HCl। मैंने आपको फोर स्टेप्स में कराई थी कि फोर स्टेप्स होते हैं, हमें लेफ्ट हैंड साइड के एटम्स को अलग रखना है, राइट हैंड साइड के एटम्स को अलग रखना है, फिर हम वन बाय वन एटम को क्या कर रहे थे, बैलेंस कर रहे थे। बट जब अब हम करेंगे इसमें, हम इजी वे में करेंगे, हम जस्ट यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, दिस वन इज राइट हैंड साइड, दोनों के हम एटम्स को अलग से लिख देंगे। हमारे पास क्या है, सिलिकॉन, हमारे पास क्या है, क्लोरीन है, और हमारे पास हाइड्रोजन है एंड हमारे पास ऑक्सीजन है। यही एटम्स हमारे पास रिएक्टेंट में है, यही एटम्स हमारे पास प्रोडक्ट में है। अब सिलिकॉन कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे वन है, ये देखो वन सिलिकॉन। तो आपको ऐसा देखना है, सबसे पहला आपका काम यही है कि आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखो कि कौन कौन से एटम्स हैं एंड नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। फिर आप राइट हैंड साइड पे देखोगे कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, सेम एटम को ही देखो, यहाँ पे सिलिकॉन वन है, यहाँ भी सिलिकॉन कितना है, वन है। देन क्लोरीन यहाँ कितने हैं, फोर है, तो हमने यहाँ पे फोर मार्क कर दिया। यहाँ हमारे पास क्लोरीन कितने हैं, वन है। तो जितने आपके पास नंबर ऑफ एटम्स हैं, आपके पास नंबर ऑफ एटम्स जितने हैं, यहां हमारे पास क्लोरीन वन है, हमने यहां वन लिख दिया। अब देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहां कितने हैं, हमारे पास टू, हमने यहां पे टू लिख दिया। यहां हाइड्रोजन हमारे पास कितने, फोर हाइड्रोजन ये, वन हाइड्रोजन ये, तो टोटल कितने हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज फाइव। एंड ऑक्सीजन नंबर ऑफ एटम इन लेफ्ट हैंड साइड इज वन एंड देयर ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इज फोर एटम। ठीक है, ये हमारा सबसे पहला काम हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ऑलवेज बाद में बैलेंस करना है, पहले बैलेंस नहीं करना है, ये हमने रोज में भी किया था। तो हम किसको, सिलिकॉन तो हमारा वन वन है, हमने इसको बैलेंस करना है तो हम क्या करेंगे, फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको फोर से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि हमने क्या करना है, क्लोरीन को हमें, क्लोरीन को हमने क्या किया है, बैलेंस करना है। तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फोर लगाना पड़ेगा क्योंकि क्लोरीन यहाँ है। अब देखो क्लोरीन के तो फोर एटम्स हो गए, बट हाइड्रोजन चेंज हो गए, फोर हाइड्रोजन ये हो गए, फोर हाइड्रोजन ये, तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास फाइव से क्या हो गए हैं, एट हो गए हैं। अब देखो ये हमारा था राइट हैंड साइड पे, हमने एक एटम हाइड्रोजन क्लोरीन को बैलेंस किया तो हमारे सारे क्या हो गए, गड़बड़ हो गए। अब हमें किसको बैलेंस करना है, ये ऑलरेडी अभी बैलेंस है तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को उठाते हैं, हाइड्रोजन को लेंगे। हाइड्रोजन के यहाँ पे टू एटम है, यहाँ पे एट एटम है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फोर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम अगर इसको फोर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हाइड्रोजन तो एट हो गए और ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑटोमेटिकली फोर हो गए, कितने हो गए हमारे पास, फोर हो गए। अब देख लो सब कुछ बैलेंस हो गया, सिलिकॉन यहाँ पे वन है, यहाँ भी वन है,
यहाँ फोर है, यहाँ भी फोर है, यहाँ एट है हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन एट है, यहाँ ऑक्सीजन फोर है, यहाँ भी ऑक्सीजन फोर है, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमारे पास क्या हो गई, SiCl4 plus 4H2O plus H4SiO4 plus 4HCl. This equation is our balanced chemical equation. तो जब भी आप कभी बैलेंस केमिकल इक्वेशन करते हो, सब एटम को बैलेंस करने के बाद जब आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखोगे तब आपको एक बार दोबारा से क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा. दोबारा से एक बार वेरीफाई कर देना कि कहीं ना कहीं कोई 1% भी कहीं ऐसा ना हो कि कहीं हमारी कोई गड़बड़ रह गई हो. तो देखो सिलिकॉन यहाँ पे कितने 1 है, यहाँ भी सिलिकॉन 1 है, क्लोरीन यहाँ 4 है, यहाँ पे भी क्लोरीन कितने है 4 है, हाइड्रोजन कितने है 4 2 जा 8 8 है, यहाँ कितने है 4 हाइड्रोजन, ये हो गए 4 हाइड्रोजन, ये तो टोटल 8 हाइड्रोजन हो गए. ऑक्सीजन यहाँ पे कितने 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने है 4 है. तो हमने क्या कर दिया, क्रॉस वेरीफाई भी कर लिया. अब हमारी जो इक्वेशन है वो क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है. बस आपको रूल्स को फॉलो करते जाना है, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी. कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. सो नेक्स्ट इक्वेशन करते हैं हम, क्या है हमारी, Na2CO3 plus HCl product is NaCl H2O plus CO2. अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, पहले हम नंबर ऑफ एटम्स लिखते हैं कि हमारे पास क्या है, सोडियम है, कार्बन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है. Then number of atoms present in reactant sodium is 2 and sodium is 1 in right hand side. Carbon जो है वो 1 है, यहाँ पे भी carbon कितना है 1 है, और Cl कितना है 1 है, यहाँ भी Cl कितना 1 है. Oxygen total कितनी है 3 oxygen है, यहाँ oxygen कितनी है, यहाँ भी 3 है, 2 and 1 3. Hydrogen हमारे पास यहाँ 1 है, hydrogen यहाँ हमारे पास कितने हैं 2 है. सबसे पहला काम हमारा होता है हमने नंबर ऑफ एटम्स लिख लिए. सेकंड हमने ये देखना होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ दो, थोड़ी सी ट्रिक्स भी रहती है, वैसे हिट एंड ट्रायल मेथड है, आपको अगेन एंड अगेन करके देखना पड़ता है. बट अब देखो हमारे पास ये भी वन है, कार्बन भी वन है, क्लोरीन भी वन है, सोडियम हमारा क्या है 2 है, तो इसके लिए लीस्ट नंबर क्या है हमारा 1, हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. जब हमने इसको क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया Na के नंबर ऑफ एटम्स को ट्वाइस करने के लिए, तो Cl भी कितने हो जाएंगे हमारे 2 हो जाएंगे. ठीक है, Cl भी 2 हो गए, Na भी 2 हो गए. अब ये 2 हो गए और ये वाला क्लोरीन क्या हो गया, अनबैलेंस्ड हो गया. अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो हमने क्या किया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब जब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे हाइड्रोजन भी कितने हो गए 2 हो गए. अब एक बार चेक करो, नंबर ऑफ सोडियम हमारे पास 2 है, यहाँ भी हमारे पास 2 है, नंबर ऑफ कार्बन 1 है, यहाँ भी 1 है, क्लोरीन 2 है, यहाँ भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है. तो हमारी इक्वेशन क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है. तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज Na2CO3 plus 2HCl 2NaCl plus H2O plus CO2. ये हमारी जो है वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन जाएगी. क्रॉस वेरीफाई आप कर लेना, मुझे पता है कि ये ठीक है. आपका आपको बताया कि आपको करना ही करना है, ऐसा नहीं कि ये ठीक है. एक बार आप दोबारा से करोगे तो आपको डाउट नहीं रहेगा कि कहीं भी हमारी कोई गलती है, मिस्टेक है. नेक्स्ट देखो हमने करना है H2SO4 plus Hi H2S plus I2 plus H2O. ये मेरी देखने से पहले कि मैंने बैलेंस कैसे की है, आप अपने आप से ट्राई करो, अपने आप से करके देखो मेरे साथ साथ. मेरे को मत देखो, पहले आप सिर्फ ये रिएक्शन देखो और साथ साथ अपने आप से खुद से करो. आई होप आप अपने आप कर लेंगे, बहुत इजी है. हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, आयोडीन है, ये चार आइटम है. यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, ये 1 2 ये, तो टोटल कितने हैं 3 हाइड्रोजन है. यहाँ पे टोटल हमारे पास 4 हाइड्रोजन है. सल्फर यहाँ 1 है, सल्फर यहाँ भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, आयोडीन यहाँ 1 है, आयोडीन यहाँ पे 2 है. अब हमें क्या करना है, हम सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, हम आयोडीन को भी बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि हमें हाइड्रोजन को भी नहीं लेना, ऑक्सीजन को भी नहीं लेना. पहले हम अगर आयोडीन को लेते तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. जब हमने इसको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे हाइड्रोजन कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे 4. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो गए 4.
सल्फर हमारे पास है 1, बट हमारा जो ऑक्सीजन है वो बैलेंस नहीं हुआ है. ऑक्सीजन हमारे यहाँ 4 है, यहाँ हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड पे 1 है. क्या करेंगे हम, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. सिंपल, जब हमने यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, बट नंबर ऑफ हाइड्रोजन फिर से चेंज हो गए. कितने हो गए, 4 2 8, 8 2 10, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो गए हैं, 10 हो गए हैं. फिर सारी गड़बड़. अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये भी बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस है, बट हमें हाइड्रोजन को क्या करना है, बैलेंस करना है. हम हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, टोटल 4 है, हमें कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, 6 हाइड्रोजन हमें और चाहिए. तो आप देखो कि अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ हमारे पास टोटल 2 हाइड्रोजन है, इस केस में यहाँ हमारे पास टोटल 2 हाइड्रोजन है, टोटल हमें यहाँ पे कितने हाइड्रोजन और चाहिए कि जो है इसके साथ बैलेंस हो जाए. क्या कर सकते हैं हमें क्या करना है, हम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हमारे को क्या चाहिए, 8 हाइड्रोजन चाहिए. हमने क्या कर लिया, 8 हाइड्रोजन कर लिए. इस चीज में ना, इस केस में आपको अपना थोड़ा सा माइंड यूज करना पड़ता है, बैलेंसिंग वाला हिट एंड ट्रायल मेथड मत देखो. हमने क्या किया है, यहाँ हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, यहाँ हमारे पास 10 हाइड्रोजन है, तो कितने हमारे पास हाइड्रोजन कम है, 6 हमारे पास हाइड्रोजन कम है. तो मींस आपको क्या करना है, 2 हाइड्रोजन तो हमारे पास ऑलरेडी है रिएक्टेंट में, अब हम ये वाले हाइड्रोजन को बढ़ा सकते हैं, तो हमने क्या कर दिया, 8 लगा दिया, 8HI हो गया. मींस नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो हमारे क्या हो गए, बैलेंस हो गए, बट आयोडीन की अमाउंट यहाँ पे 2 थी, वो कितनी हो गई, 8 हो गई. अब ये 8 है तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, 8 करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. मींस हमने क्या कर दिया, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारी रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो चुकी है. देखो कैसे बैलेंस है, मैं आपको बैलेंस्ड इक्वेशन रख देती हूँ. और इसमें मैं आपको ये चीज बताना चाहती थी कि हाइड्रोजन को हमें इस टाइप से देखना पड़ता है. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी हम आगे करेंगे, उसमें थोड़ा सा आपको इस टाइप से देखना पड़ता है. हिट एंड ट्रायल मेथड की बजाय आपको अपना एडवांस ब्रेन यूज करना पड़ता है कि हम जो है वो कैसे हाइड्रोजन को बैलेंस करें, क्योंकि मल्टीप्लाई वगैरह, अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते 4 को, तो आप किससे मल्टीप्लाई करते, नहीं कर सकते. या आप सोचते कि मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये दोनों क्या हो जाएंगे, 40-40 हो जाएंगे. तो इस केस में हम मल्टीप्लाई वाला मेथड यूज नहीं करते, हम अपने ब्रेन को यूज करते हैं कि हमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऐड करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं. तो हमारे पास जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन जाएगी वो होगी H2SO4 प्लस 8HI H2S प्लस 4I2 प्लस 4H2O. अब आप इसके क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस है राइट हैंड साइड पे भी एंड लेफ्ट हैंड साइड पे भी, एंड दिस इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम. हाँ, ये भी अच्छा है हमारा, ये भी रिएक्शन जो है वो थोड़ी सी अच्छी, मीन्स कहने का कि थोड़ा कुछ हार्ड होता है तो करने में मजा आता है, इजी तो आप खुद भी कर ही लेंगे. तो इसमें क्या है, हमारे पास एल्यूमिनियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, कैल्शियम है, एंड हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है. अब एल्यूमिनियम के नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है, राइट हैंड साइड पे 1 है. सल्फर हमारे पास यहाँ पे टोटल 3 है, ये देखो ये वाला जो 3 है ना वो यहाँ है, इसके ये 2 है OH2, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. तो ये हमारे पास सल्फर जो है वो 3 है, यहाँ हमारे पास सल्फर जो है वो 1 है. ऑक्सीजन कितने हैं, टोटल हमारे पास 12 ऑक्सीजन ये हो गए, 2 ऑक्सीजन ये, तो टोटल ऑक्सीजन हमारे पास 14 है. यहाँ हमारे पास टोटल ऑक्सीजन 3, तो हमारे पास ये हो गए 4, हमारे पास ये, तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास 7 है. क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन हमारे पास, क्लोरीन नहीं कैल्शियम है, सॉरी क्लोरीन नहीं है कैल्शियम है, मैंने कैल्शियम ही लिखा था पहले, फिर क्लोरीन आ गया मैंने. क्लोरीन कितना है, 1 है, यहाँ भी क्लोरीन कितना है, 1 है. हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 2 है, यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है. अब ये देखो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, ज्यादा नहीं है, बिल्कुल थोड़ी सी है. करना क्या है हमें, हमें ऑक्सीजन को नहीं लेना पहले, हमें हाइड्रोजन को नहीं लेना पहले, ऑलवेज आप किसको लेंगे, पहले हम सल्फर को लेते हैं, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, टोटल 3 नंबर है इसके और ये हमारे पास 1 है, तो हमें सल्फर को बैलेंस करना है. सल्फर को
करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कैल्शियम भी कितने हो जाएंगे, यहाँ पे कैल्शियम भी कितने हो गए, 3 हो गए। सल्फर भी हमारे पास कितने हो गए, 3 हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 3 12 12 एंड 3 हमारे पास टोटल ऑक्सीजन जो हो गए यहाँ पे 7 से 15 हो गए। ठीक है, अब हमने क्या किया, सल्फर को बैलेंस किया। अब हम कैल्शियम को देखते हैं। अब कैल्शियम के यहाँ पे टोटल 3 है, यहाँ पे क्या है 1, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कैल्शियम मीन्स हम सबसे पहले एक को करेंगे, फिर एक को अगर एटम एक कंपाउंड को करने के बाद दूसरा अपने आप ही डिस्टर्ब हो जाएगा तो हम दूसरे को करेंगे। मीन्स यहाँ पे कैल्शियम डिस्टर्ब हो गया तो हम कैल्शियम को 3 एटम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जहां पे कैल्शियम है हम उसको 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, कैल्शियम तो बैलेंस हो गया बट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन क्या हो गए, अनबैलेंस हो गए। अब कितने हो गए टोटल, 3 जो मतलब 2 तो हमारे पास ऑक्सीजन पहले थी, 3 ही हो गए, तो 6 ऑक्सीजन तो हमारे ये हो गए और हमारे पास 12 ऑक्सीजन ही है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हो गए, 18 हो गए हमारे पास। एंड हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हाइड्रोजन ये थे, 3 हमने आगे नंबर ऑफ एटम स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स और ले लिए, तो 6 हाइड्रोजन हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे पास, यहाँ पे 6 हो गए। अब देखो क्या चीज हमें बैलेंस करनी है, हमारा क्या हुआ, ऑक्सीजन भी अनबैलेंस, अभी हमारा सिर्फ सल्फर बैलेंस हुआ है एंड कैल्शियम बैलेंस हुआ। अब क्या चीज अनबैलेंस है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हम बाद में लेंगे, क्लियर कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बाद में ही होगा। अब हम एल्युमिनियम को लेते हैं, एल्युमिनियम के पास नंबर ऑफ एटम्स 2 है ऑन लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड में प्रोडक्ट में हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई। अब हम इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एल्युमिनियम भी 2 हो गए बट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन फिर से क्या हो गए, अनबैलेंस हो गए। अब कितने हो गए हमारे पास, सबसे पहले हम ऑक्सीजन को देखते हैं, 3 ऑलरेडी थे 2 और ले लिए, तो हमारे पास कितने हो गए, 6 प्लस यहाँ पे कितने हैं 12, तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो टोटल कितने हो गए हैं, 18 हो गए हैं। एंड हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 6, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए। अब देखो हम वन बाय वन हमने क्या किया, सिर्फ रूल्स को फॉलो किया है। अब एल्युमिनियम भी बैलेंस हो गया है 2 2, सल्फर भी बैलेंस हो गया है, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया है, कैल्शियम भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, अपने आप सारे एटम्स जो हैं वो बैलेंस होते जाएंगे। बस आपको रूल्स को फॉलो करते जाना है, कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, मतलब ऐसा नहीं है देख के ये तो मैं नहीं कर सकता, नहीं ये चीज तो सोचनी नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, एवरीथिंग यू कैन डू इट। हम ये बोलेंगे नथिंग इज इम्पॉसिबल, और इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। तो बैलेंसिंग भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि मुझे नहीं आती है। तो क्या है, हमने ये किया है, वन बाय वन करना है। रिएक्शन को देख के ऐसा लग रहा था कि बहुत मुश्किल होगी, पता नहीं हम कैसे करेंगे, बट आप वन बाय वन करोगे तो ये बहुत इजी लगेगी, बहुत आसानी से हो जाएगी। तो इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो होगी वो यही होगी, Al2SO4 3, यहाँ हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ हमने 3 से स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स लगाए, तो ये हमारी हो जाएगी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट हम करते हैं KClO3, KClO4, KCl, वेरी सिंपल। अब देखने पे ही लग रहा है कि बहुत सिंपल है, तो ये हम जल्दी से कर लेंगे, हम शक्ल से पता चल जाता है कि कौन सी रिएक्शन कैसी है, ऑलमोस्ट हमें हर चीज की शक्ल से पता चल जाता है, एनालिसिस हो जाता है थोड़ा बहुत, तो ये भी वैसे ही है। यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम नहीं, दिस इज पोटेशियम, पोटेशियम यहाँ 1 है, यहाँ भी यहाँ हमारे पास कितने हैं, 2 है, क्लोरीन यहाँ कितने हैं, 1 है, क्लोरीन यहाँ पे कितने हैं, 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे टोटल कितने हैं, 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। अब हमें इस केस में क्या करना है, हमने क्या करना है, अगर आप इनको भी 2 2 को बैलेंस करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर हमारे पास अब क्या है, ये 3 4 अनइवन नंबर है ना, तो हम इसको उठाते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 से मल्टीप्लाई, और इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, तो देखो आपके पास क्या रहता है। यहां हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो पोटेशियम कितने हो गए, 4 हो गए, क्लोरीन भी कितने हो गए, 4 हो गए, ऑक्सीजन हमारे पास 12 हो गए, और अगर हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 पोटेशियम ये थे, 1 ये, तो ये भी कितने हो गए, 4 हो गए, क्लोरीन यहाँ पे 3 थे, 1 क्लोरीन ये हो गया, तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए, एंड 12 हो गए, हो गई रिएक्शन बैलेंस।
सबको थोड़ा सा, अगर आप देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते तो अब भी बैलेंस हो जाती, बट थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो जाता। तो हमने देखा कि अगर हम यहाँ पे 2 लगाने की बजाय यहाँ पे हम ये वाले पोटेशियम और क्लोरीन को बैलेंस करने की बजाय हमने क्या किया, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया। यहाँ हमने ऑक्सीजन को पहले बैलेंस क्यों किया है, रीजन ये है कि पोटेशियम और क्लोराइड तो एक अलग से भी है, हम पोटेशियम को क्लोरीन को बैलेंस कर सकते हैं, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की तरह अलग है, बट ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे कंपाउंड की फॉर्म में है। यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट ऑक्सीजन पे इफेक्ट पड़ता है, यहाँ भी डायरेक्ट ऑक्सीजन पे इफेक्ट पड़ रहा है, बट पोटेशियम क्लोराइड जो है वो थोड़ा सा अलग है, हम उसको मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर सकते हैं। इसलिए हमने क्या किया, 4 और 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। बाकी जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका ब्रेन आपको अपने आप आंसर देने लग जाएगा कि नहीं इसको ऐसे बैलेंस करना है, इसको ऐसे बैलेंस करना है। देखो अब नेक्स्ट इक्वेशन करते हैं, हमारे पास क्या है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, सिलिकॉन है, ऑक्सीजन है, ये हमारे पास सारे के सारे रिएक्टेंट में हमारे पास एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं ये। अब कैल्शियम टोटल कितने हैं, 3 है लेफ्ट हैंड साइड पे, कैल्शियम 1 है राइट हैंड साइड पे। हमारे पास क्या है, फॉस्फोरस कितने हैं, 2 है, यहाँ हमारे पास फॉस्फोरस 4 है, सिलिकॉन 1 है, सिलिकॉन 1 है, ऑक्सीजन टोटल कितने हैं, 4 2 8 एंड 2 10। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जब आपके पास कुछ इस टाइप का आता है ना लाइक दिस की PO4 और ब्रैकेट में या 2, तो आप इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए, ऑक्सीजन 8 एंड 2 ये हो गए, टोटल हमारे पास हो गए 10। यहाँ हमारे पास कितने हैं, 10 ऑक्सीजन ही है, 3 ये हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब देखो मुझे बताओ इसमें हमें क्या करना चाहिए, हमने क्या करना है, ये तो हम बैलेंस बाद में ही करेंगे ऑक्सीजन, तो हमें क्या करना चाहिए, ये 1 1 है, ये क्या है 3 है और ये क्या है 2 4 है, इसमें से लीस्ट तो हमारे पास क्या है, कैल्शियम ही है, तो हम कैल्शियम को भी कर सकते हैं पहले और आप इसको भी कर सॉरी कैल्शियम हमारे पास कितने है, 3 है और ये कितने है 1, हम इसको सबसे पहले करेंगे किससे, 3 से मल्टीप्लाई। जब हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास कैल्शियम तो हो गए 3, सिलिकॉन भी हो गए हमारे पास यहाँ 3, बट ऑक्सीजन कितने हो गए, 10 ऑलरेडी थे, 3 3 का कितना होगा हमारे पास, हमारे पास कितने हैं, ऑक्सीजन पहले कितने थे 13 थे, अब हमारे पास कितने हो गए हैं 19 हो गए, टोटल हमारे पास कितने हो गए 19। अब हमें किसको करना है बैलेंस, देखो ये हमारे पास हो गए टोटल 3, ये हो गए 4, अब हम करते हैं फॉस्फोरस को बैलेंस। फॉस्फोरस को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉस्फोरस को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से हम क्या करेंगे, यहां मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो अब कैल्शियम, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन सबके नंबर चेंज हो गए, तो हमारे पास क्या हुआ, कैल्शियम क्या हो गए टोटल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएंगे, फॉस्फोरस हमारे पास कितने हो गए 4 हो गए, सिलिकॉन सेम रहा, बट ऑक्सीजन कितने हो गए, अब पहले हमारे पास कितने थे 4 2 8 और 2 अब हो गए हमारे पास 16 हो गए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब फिर से ये रिएक्शन थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी, हमारे पास लेंथी भी हो जाएगी क्योंकि ये रिएक्शन को देख के ही लग रहा है। अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमारे पास सिलिकॉन, फिर से हमारे पास यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितने 1 है, तो हम पहले यहाँ सिलिकॉन को भी बैलेंस कर देते हैं, 3 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई किया तो सिलिकॉन बैलेंस हो गए बट ऑक्सीजन फिर से अनबैलेंस्ड हो गए, कितने हो जाएंगे 3 2 6 और ये कितनी है टोटल 16, 4 2 8 8 2 16 16 एंड 6 कितने हो गए हमारे पास, ऑक्सीजन जो है 6 प्लस में कितने थे 16, 22 हो गए, ठीक है। अब हमारे पास क्या चीज है जो कि बैलेंस नहीं है, फॉस्फोरस हमारा बैलेंस है, सिलिकॉन हमारा बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है और हमारे पास कैल्शियम भी बैलेंस नहीं है। अब हमें क्या करना होगा, हम क्या करेंगे कैल्शियम को बैलेंस करते हैं। अगर हमने कैल्शियम को बैलेंस करना है, यहाँ पे टोटल कितने हमारे पास 6 हैं, यहाँ हमारे पास टोटल कितने हैं 3 हैं, तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 3 था तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बट इस केस में मैं आपको बोलूंगी
बार बार मल्टीप्लाई करने की बजाय आप डायरेक्ट क्या कर दो, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जब आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, कैल्शियम तो हमारे हो जाएंगे 6, सिलिकॉन हमारे फिर से हो गए 6, अब ऑक्सीजन देखो कितने होंगे, 6 3 18, 18 एंड 10 कितने हो गए, 28, ठीक है। अब फिर से अनबैलेंस, इस टाइप की जो इक्वेशंस होती है वो बहुत लेंथी हो जाती है। इसमें हमने क्या किया है, इस चीज में ऐसा रहता है कि अगर आप सबसे पहले फॉस्फोरस को बैलेंस करते तो आपकी रिएक्शन इतनी लेंथी नहीं होती। इसमें हमने एटम को चूज शायद रोंग किया है, तभी हमारी इतनी लेंथी हो चुकी है, बट फिर भी बैलेंस हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी, होगी बैलेंस, ये बात नहीं, मतलब मन में ऐसा नहीं कि भाई अब तो रिएक्शन बैलेंस नहीं हो रही तो होगी नहीं, रिएक्शन बैलेंस होगी। हमें देखना है कि हमें कैसे बैलेंस करना है। अब देखो कैल्शियम कितने हो गए, यहाँ भी 6 है, कैल्शियम यहाँ भी 6 है, फॉस्फोरस कितने हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ भी कितने हैं, 4 है, बट सिलिकॉन यहाँ 3 है, यहाँ पे 6 है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे 6 करना है, हम डायरेक्ट 6 कर देंगे, जैसे हमने वहां किया, हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 6 कर दिया। अब देखो अगर हमने यहाँ 6 किया तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 2 12, ये हमारे 12 हो गए, 4 2 8 एंड 8 2 16, तो टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए ऑक्सीजन, 28 हो गए। तो घबराना नहीं है, हो गई है बैलेंस, बट आपको थोड़े से पेशेंस रखने पड़ेंगे, लेंथी जाएगी, बहुत सारे स्टेप्स बनेंगे, बट रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। रिएक्शन जो है वो हमारी बनी है 2CA3PO4 ट्वाइस प्लस 6SiO2 बनेगा क्या, P4O10 प्लस 6CaSiO3, ये हमारी जो है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनेगी। इस रिएक्शन से हमें ये चीज सीखनी है कि अगर हमने यहाँ पे पहले 3 लगाया है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई मत करना, उसको 2 लिख के सीधा ही 6 लिख देना। यहाँ पे हमने पहले 3 किया था तो इसको डायरेक्टली क्या करना, 6 कर देना। तो अगर आप ऐसे करोगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बट अगर आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे टेबल में, तो फिर सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको जैसे मैंने कराया आप इस वे में करना, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन, आयरन सल्फेट है, KOH के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, पोटेशियम सल्फेट बना रहे हैं, साथ में हमारे को क्या मिल रहा है, आयरन हाइड्रोक्साइड मिल रहा है। तो हमने क्या करना है, Fe और हमारे पास सल्फर है और हमारे पास पोटेशियम है और हमारे पास हाइड्रोजन है एंड हमारे पास ऑक्सीजन है। आयरन के नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास 2 है, सल्फर के एटम्स हमारे पास 3 है, पोटेशियम हमारे पास 1 है, हाइड्रोजन हमारे पास 1 है, ऑक्सीजन हमारे पास 13 है। क्योंकि मैंने बहुत बता दी इसलिए मैं थोड़ा फास्ट फास्ट कराऊंगी। आयरन यहाँ पे 1 है और सल्फर हमारे पास यहाँ 1 है, पोटेशियम हमारे पास 2 है, हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ 3 है, ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, 4 ये हो गया और 3 ये हो गए, टोटल नंबर ऑफ 7 हमारे पास ऑक्सीजन है। अब हमें बैलेंस करना है तो हम किसको लेंगे, सबसे पहले हम इसको ले लेंगे, सल्फर को कर देते हैं। यहां से हम क्या करेंगे, सल्फर को बैलेंस कर देंगे, या आयरन को भी कर सकते हो, दोनों में से किसी को भी कर दो, यहां मैं आयरन को कर देती हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो आयरन मेरा बैलेंस हो चुका है, बट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गए। अब ऑक्सीजन कितने हो गए, यहाँ पे 3 2 6 एंड 4 10, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो मेरे पास है यहाँ पे हो चुके हैं 10, और हाइड्रोजन जो है वो हमारे बन गए 3 2 6, तो हाइड्रोजन हो गए हैं 6। अब देखो हमारा बैलेंस क्या हुआ है, सिर्फ आयरन, अभी तक आयरन बैलेंस हुआ है, वो भी पता नहीं फाइनली हुआ है या नहीं हुआ है। हमने क्या करना है, अब सल्फर को बैलेंस करते हैं। सल्फर को बैलेंस करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। हमने क्या कर दिया, इसको पूरी की पूरी इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। अब इस केस में मैं आपको बताऊं, ये चीज मैंने आपको इसलिए 2 पहले मैं आपको ये करवा रही थी 3 से, फिर मैंने ये वाला 2 लिया, मुझे यही चीज ही आपको बतानी थी। अब देखो हमने लास्ट वाले में भी यही गड़बड़ की थी जिससे हमारी बहुत लेंथी हो गई थी। तो इसको बैलेंस करने से पहले आपको एक चीज देखनी है कि अगर आप आयरन को बैलेंस कर रहे हो, जैसे हमने यहाँ पे क्या कर दिया, आयरन को बैलेंस कर दिया, फिर आप रिएक्टेंट में देखो कि अगर आयरन के साथ क्या है, सल्फर अटैच है, तो आपने आयरन को बैलेंस कर दिया यहाँ पे, बट अगर आप सल्फर को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर आयरन क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड हो जाएगा। इस सिचुएशन में जब आपके पास कुछ ऐसा होता है कि दो एक साथ हमारे पास आयरन और सल्फर कंपाउंड बना रहे हैं, तो आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि आप इस चीज को जो है वो बैलेंस कैसे कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास सल्फर
अगर हमारे पास यहाँ पे सल्फर 3 है तो हमें क्या करना है, यहाँ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा सल्फर जो है वो इक्वल हो गया। बट आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि आप क्या कर रहे हो, आयरन को पहले बैलेंस कर रहे हो, सल्फर को पहले बैलेंस कर रहे हो। जो चीज ये दोनों के साथ कंपाउंड बना रही है ना, तो आप जिसका हाईएस्ट है, जैसे यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है, तो आपको पता है कि इन दोनों का क्या आएगा, 6 ही आएगा कुछ ना कुछ, तो आपको ये चीज देख के बैलेंस करनी है। तो हमने क्या किया, यहाँ जब 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पोटेशियम कितने हो गए, 6 हो गए, सल्फर कितने हो गए, 3, बट ऑक्सीजन फिर से हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया, 4 3 12 12 और 6 कितने हो गए, 18। तो हमारे जो टोटल ऑक्सीजन है वो कितने हो चुके हैं, 18 हो चुके हैं। अब देखो आपको किसको बैलेंस करना है, पोटेशियम को बैलेंस करना है। अब आप पोटेशियम को बैलेंस करेंगे तो हम क्या करेंगे, 6, ये 3 मैंने नहीं लगाया है, ये 3 मैंने आपको बताने के लिए लगाया था, कहीं आप इसमें कंफ्यूज हो जाएं, ये वाला जो 3 है वो नहीं है। हमने क्या करना है, अभी पोटेशियम को बैलेंस करना है, तो हमने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से मल्टीप्लाई। जब हमने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो पोटेशियम बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन हमारे कितने हो गए, 6 हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 तो ये हो गए, एंड हमारे पास 4 3 12 ये हो गए, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास हो चुके हैं 18। तो ये हमारी रिएक्शन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। आयरन 2 थे 2 हो गए, सल्फर 3 थे 3 हो गए, पोटेशियम 6 थे 6 हो गए, हाइड्रोजन 6 थे 6 हो गए, ऑक्सीजन 18 थे 18 हो गए। बस इसमें एक ही चीज का ध्यान रखना है आपको, कि आपको वो बैलेंस करनी है पहले या वो बैलेंस करनी है, ठीक है। इसमें क्या था, हमारे पास राइट हैंड साइड पे ही था, तो हमें आयरन और सल्फर का कोई ज्यादा परेशानी नहीं हुई, वो इजिली जो है वो सॉल्व हो गई है। नेक्स्ट देखो, अब ये वाली रिएक्शन ध्यान से समझना, दिखने में बहुत इजी लग रही है बट थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है ये, थोड़ी सी है, ज्यादा नहीं है। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं कह सकते, इसमें आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा बस। कार्बन कितने हैं, 7 है, यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 6 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन टोटल कितने हैं, 3 है हमारे पास। अब हमने क्या किया है, कार्बन को बैलेंस करेंगे हम सबसे पहले, तो हमने क्या किया, 7 से मल्टीप्लाई, मीन्स मैंने यहाँ क्या कर दिया, 7 लगा दिया। जब ये नंबर ऑफ कार्बन मेरे पास 7 हो गए तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 7 2 14 एंड 1 15 हो गए, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन मेरे पास हो चुकी है 15। मुझे बैलेंस करना है हाइड्रोजन को, यहाँ पे 6 है, यहाँ मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 3 से। जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन मेरे बैलेंस हो गए, बट 7 2 14 एंड 3 कितने हैं, टोटल हमारे पास 17 नंबर ऑफ ऑक्सीजन है। अब इस केस में हमें क्या करना है, हमारे पास कार्बन कितने हैं, 7 है, हाइड्रोजन हमारे पास 6 है, वहां मैंने आपको हाइड्रोजन क्या बताया था, वैसे ही यहाँ पे अब देखो ये 4 है और ये 17 है। इस केस में आपको क्या करना है, अपना एडवांस ब्रेन यूज करना है, कि यहाँ हमारे को टोटल नंबर ऑफ 13 ऑक्सीजन एटम क्या चाहिए और चाहिए, जिससे कि क्या हो जाए, 17 हो जाए। तो हम इस पूरी इक्वेशन को ऐसे छेड़ेंगे नहीं, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब देखो एक ऑक्सीजन जो सिंगल है वो सिंगल फॉर्म में स्टेबल नहीं होता, आपको भी पता है नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो स्टेबल नहीं है, ऑक्सीजन ऑलवेज किस फॉर्म में स्टेबल होती है, O2 की फॉर्म में। अब अगर 13 सिंगल ऑक्सीजन एटम है तो O2 कितने होंगे, 13 के हाफ होंगे, 13 का हाफ मीन 6.5 O2, मीन्स हमें इसके अंदर टोटल कितने O2 और ऐड करने पड़ेंगे, 6.5 O2 ऐड करने पड़ेंगे, फिर जाके हमारी रिएक्शन जो होगी वो बैलेंस होगी। अब 6.5 O2 हम नहीं लिख सकते, बिकॉज आप जब भी रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं तो आप डेसिमल नंबर नहीं ले सकते, तो हम इसके डेसिमल को रिमूव करने के लिए हम पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो इसका डेसिमल पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो ये चीज एक बार समझ लो, आप दोबारा से एक बार रिपीट कर देती हूँ मैं, कि ये नंबर ऑफ ऑक्सीजन 17 है, यहाँ नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4 है, हमें क्या करना है, इसमें 13 ऑक्सीजन के एटम्स और ऐड करने हैं ताकि हमारी रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो जाए। 13 सिंगल ऑक्सीजन हम नहीं लिख सकते हैं, इस 13 ऑक्सीजन जो है वो O2 की फॉर्म में स्टेबल होता है, मींस सिंगल ऑक्सीजन जो है वो क्या है, O करके O2 जो है वो 13 के हाफ एटम्स, मीन 6.5 ऑक्सीजन हमें ऐड करनी पड़ेगी। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, डेसिमल को हटाने के लिए हमने क्या किया है, हमने
पूरी की पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जो हमने बैलेंस की थी हम उस पूरी रिएक्शन को क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 2C7H6O2 प्लस 2O2 प्लस, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 2O2 की जगह, आप ऐसे भी कर सकते हो और वे भी कर सकते हो। 6.5 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 13O2, फिर क्या आ जाएगा 7CO2 प्लस, सॉरी 7 नहीं, हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं पूरी रिएक्शन को, तो 14 प्लस 6H2O आ जाएगा। अब ये 13 और 2 को आप किस क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट आप O2 आएगा, सॉरी हमारे पास क्या आ जाएगा 15O2 आ जाएगा। अब आप रिएक्शन को बैलेंस करोगे, क्या बैलेंस हो रही है, यस, कार्बन कितने हैं 14, यहाँ पे भी कार्बन कितने हैं 14, ऑक्सीजन कितनी है हमारे पास 2, हमारे पास यहाँ पे टोटल 15 मींस टोटल कितने हो गए 13 ऑक्सीजन, और ये टोटल 4 है तो मींस हमारे पास कितने हैं 34। यहाँ पे आप ऑक्सीजन काउंट कर लो कितने हैं, 6 ऑक्सीजन हमारे पास ये है, और 14 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 28 प्लस 6 कितने हो जाएंगे 34। तो आपने जब भी कभी आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो आपने इस टाइप से बैलेंस करना है। इसमें आप मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करते रहोगे तो नहीं होगा बैलेंस, आपको अपना थोड़ा सा एडवांस ब्रेन यूज करना पड़ेगा कि हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो इसी रिएक्शन का मैं वेट कर रही थी क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यूजफुल भी है और बेसिक्स क्लियर है तो आप ये रिएक्शन भी इजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है आपका एनसीईआरटी का अनसॉल्व्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि अभी देखो हमने जो रिएक्शन किया ना वो बहुत हार्ड थी, कंसेप्शनल क्वेश्चन थे, वो आपका ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी के सिलेबस से हैं, वो आपके कॉम्पिटिशन में से उठाई गई रिएक्शन है, वो आप रिएक्शन कर ली तो ये रिएक्शन आपको बहुत ज्यादा ईजी लगेंगे, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर। देखो फिर भी मुझे करानी है अनसॉल्व तो मैं आपको करा रही हूँ, बट ये बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा ईजी है। यहाँ हम नाइट्रोजन लिखेंगे, हाइड्रोजन लिखेंगे, ऑक्सीजन लिखेंगे, कैल्शियम लिखेंगे, बैलेंस कर देंगे इक्वेशन को। यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इसमें एक चीज और बताऊं मैं आपको, जब भी आपकी अनसॉल्व्ड इक्वेशंस है उसमें आपको ज्यादा मत्था मारने की जरूरत नहीं है, ये बहुत इजी रिएक्शंस है। इसमें आप ये सब नहीं भी लिखोगे ना, अब यहाँ पे देखो पहले हम हाइड्रोजन को देखते हैं क्योंकि कैल्शियम हमारे पास ऑलरेडी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी देखे तो हमारे पास ऑलमोस्ट बैलेंस है। अगर आप हाइड्रोजन के केस में देखो तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो आप ओरल करना सीखो कि हाइड्रोजन भी 2 हो गए, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 हो गए, यहाँ भी नाइट्रोजन 2 हो गए, यहाँ भी नाइट्रोजन 2 हो गए, यहाँ ऑक्सीजन टोटल कितने हैं 2 ऑक्सीजन, तो हमारे पास ये हैं, सॉरी हाइड्रोजन हम ये भूल गए, यहाँ 2 हाइड्रोजन ये है, 2 हाइड्रोजन ये, तो मीन्स हमारे पास टोटल 4 हाइड्रोजन है, तो हम यहाँ क्या करेंगे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स हमने हाइड्रोजन बैलेंस कर दिया, हाइड्रोजन बैलेंस कर दिया, और हमने नाइट्रोजन भी बैलेंस कर दिया था, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, कैल्शियम भी 1 है, कैल्शियम भी 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं 3 2 6 एंड 2 कितने हो गए 8, ये कितने हैं 3 2 6 एंड ये हमारे पास कितने हैं 2 8 हो गए। अब इतनी सारी रिएक्शंस करने के बाद वो हमने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लिखा था, इन रिएक्शंस में आप ये ट्राई करो, ये कोशिश करो कि आपको लिख के करने की जरूरत ना पड़े, आप ऐसे ओरली ही रिएक्शन कर लो क्योंकि ये बहुत इजी रिएक्शंस है। नेक्स्ट इक्वेशन में देखो Na1 है Na2 है, पहले हम Na को ही बैलेंस कर देते हैं, मीन्स आप एक चीज देखो उसको साथ साथ बैलेंस करते जाओ, Na यहाँ पे 2 हो गए, Na यहाँ पे 2 हो गए, फिर हम देखते हैं ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास अब टोटल कितने हैं 2 ऑक्सीजन इसके हो गए 4 इसके, तो टोटल हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं 6, यहाँ हमारे पास टोटल कितने ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ये 4 है और ये 15, मीन्स हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 लगा देंगे, तो हमारे ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ भी 6 हो गए, यहाँ भी ऑक्सीजन कितने हो गए 6 हो गए। अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 2 है, यहाँ हाइड्रोजन टोटल कितने हैं हमारे पास 4 है, 2 हाइड्रोजन यहाँ से है, 2 हाइड्रोजन यहाँ से, तो हमारे हाइड्रोजन भी बैलेंस है, सल्फर भी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस। ध्यान से देखो अब ये वाली रिएक्शन आपने ओरली ही करनी है, आपने लिख के नहीं करनी है, ठीक है। तो ये हमारी थी फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट हमारा क्या है, बहुत इजी एंड सिंपल है। इस टाइप की इक्वेशंस आपने क्या की है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में की है, तो आपको देखते ही आइडिया हो जाएगा कि दिस रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमें पता है NaCl नेगेटिव होता है, Ag+ NO3 नेगेटिव होता है, तो ये प्रोडक्ट देखने से पहले ही हमें पता है कि इसके अंदर
सब पे 111 चार्ज है, तो इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है. दिस सेक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. AgCl NaNO3 बन जाएगा. हर चीज में हीट एंड ट्रायल मेथड नहीं लगेगा. आपको बेसिक क्लियर है तो आपको देख के पता चल जाएगा कि ये रिएक्शन जो है वो ऐसे ही होगी. अब यहाँ पे देखो BaCl2H2SO4. Ba पे क्या होता है हमारे पास 2 पॉजिटिव, यहाँ होगा 2 नेगेटिव, यहाँ पे 2 पॉजिटिव, यहाँ पे 2 नेगेटिव. ये मैं आपको एडवांस मेथड बता रही हूँ, अदरवाइज आप इसमें भी कर सकते हो. आप सोचो मैम ने आगे यहाँ पे लास्ट में आगे कुछ और ही मेथड बता दिया, आप इसमें से करो. बेरियम बेरिलियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है. क्लोरीन यहाँ पे 2 है, क्लोरीन यहाँ पे 1 है. सल्फर यहाँ 1 है, सल्फर यहाँ पे 1 है. हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 1 है. ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है. हमें बैलेंस क्या करना है, क्लोरीन को बैलेंस करना है. तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. मीन्स हमने इसको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्लोरीन कितने हो जाएंगे, टोटल क्लोरीन भी 2 हो गए और हमारे पास हाइड्रोजन भी कितने हो गए, 2 हो गए. ठीक है, अब हमें क्या करना है, किसको बैलेंस करना है. ऑक्सीजन हमारे पास 4 थे, ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास 4 है. सब चीजें बैलेंस है. ये भी 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया. बट इतनी बड़ी चीज लिखनी ही क्यों है, इतनी सारी प्रैक्टिस करने के बाद भी आपको ये सब लिखना पड़े तो क्या फायदा. आप सिर्फ यहीं से ही देखो कि ये 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव है. ठीक है, अब ये तो हमारे पास सिंगल है Ba, ये SO4 के साथ बॉन्ड बना लेगा. क्या बना देगा, BaSO4. बट क्लोरीन के भी हमारे पास 2 एटम है, हाइड्रोजन के भी हमारे पास 2 एटम है. बट ये यहाँ पे ओनली सिंगल HCl लगा है, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 2HCl आना चाहिए. थोड़ा सा एडवांस अपने माइंड को बनाओ कि यहाँ पे सिंगल Cl है तो क्या आना चाहिए, सीधा 2HCl आना चाहिए. मीन्स अपने ब्रेन को इतना इसमें एक्टिव कर दो कि देखते ही अच्छा यहाँ 2 आना चाहिए, अच्छा यहाँ 1 आना चाहिए, आपको ऐसे आना चाहिए. होप आपको ये समझ आया होगा. ये हमने आज जो सारा किया, ये सारी प्रैक्टिस थी कि आप अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं. और अगर अभी आपके लिए वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है तो मुझे कमेंट सेशन में जरूर बताना, लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को. अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, इसमें आपका भी फायदा होगा, उनका भी फायदा होगा. थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.